तो गाइस यार होली के दिन बहुत कम रहे हैं, यानी कि होली हमारे बहुत नजदीक आ चुकी है और हमने इस होली के अवसर पर हमारे चैनल पर काफी सारे धमाके कर दिए हैं, मगर एक धमाका करना अभी तक बाकी रह गया है। वो धमाका आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा कलर स्मोक बॉम्ब हम घर पे बनाने की ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि वो कलर स्मोक बॉम्ब वर्क करता है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। This is the future. तो गाइस यार इस बड़े स्मोक बॉम्ब को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक बड़े पाइप की, जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है, और काफी सारी चीनी की, जो कि हमने यहाँ पे ले रखी है एक थाली के अंदर, और कलर फूड की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बेकिंग सोडा की, जो कि यहाँ पे मेरे पास है, और पोटेशियम नाइट्रेट की। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो मिश्रण होता है वो पहले तैयार कर लेंगे। मेरे पास है 300 ग्राम चीनी, क्योंकि यार इतने बड़े स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए इतनी चीनी तो काफी रहेगी। तो मैं इन सभी चीनी को इसके अंदर डाल देता हूँ। आपको इस मिश्रण बनाते वक्त काफी ध्यान रखना है कि किस किस चीज की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो आई थिंक ये चीज काफी है, ये है हमने 300 ग्राम के आसपास ले ली है, और यहाँ पर मेरे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये लगभग आधे किलो के आसपास आपको लेना है अगर आप बड़ा स्मोक बॉम्ब बनाते हो तो। तो यहाँ पे मैं पोटेशियम नाइट्रेट को भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा, और बेकिंग सोडा की, जो कि लगभग हमें आधा किलो मिश्रण के साथ साथ 2 स्पून यानी कि 2 चम्मच इस मिश्रण के अंदर डाल देना है। तो मैं 2 चम्मच इस मिश्रण के अंदर डाल देता हूँ, और अब जो है कलर फूड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको किस प्रकार का कलर स्मोक बॉम्ब बनाना है, बस उसी प्रकार का कलर आपको लेना है। तो मुझे यहाँ पर ब्लू बनाना है, यानी कि हरा, तो मैं इस कलर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करें। गाइज आपको बस ध्यान रखना कि आप इस मिश्रण को जब बनाए तो आप बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, ताकि जो आपके कलर स्मोक बॉम्ब के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पर इस मिश्रण को इस पाइप के अंदर डाल देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने इस बड़े सारे पाइप के अंदर हमारा जो मिश्रण था वो हमने डाल दिया है, और अब इसको आग लगाने के लिए मैं इसके अंदर सिंपली तरीके से एक फ्यूज लगा देता हूँ, ताकि इसको हम आसानी से आग लगा सके। तो अब हमारा जो कलर स्मोक बॉम्ब है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम इस बड़े कलर स्मोक बॉम्ब को हमारे सेटअप के ऊपर जाकर चला देते हैं। रेडी है तू? रेडी हूँ, लगा दो आग। हाँ लगा। 1, 2, 3 यार। तो गाइज हमने लास्ट कलर स्मोक बनाया था ब्लू कलर का, वो भी हम जला के देख लेते हैं। वाओ। तो गाइज यार हमने 4 कलर स्मोक के मिश्रण बनाए और चारों को ही अलग अलग प्रकार से छोड़ा। तो आपको सबसे अच्छा कलर स्मोक बॉम्ब कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हैप्पी होली। हैप्पी होली इन एडवांस।